I have a simpler one. You're all not worthy. I am Mysterio. Hey guys, welcome back. जैसा कि हमें पता ही है, स्पाइडरमैन होमकमिंग का सीक्वल स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम आने वाला है और फिलहाल इसी का एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है मिस्टीरियो विलन के नाम से। तो ये मिस्टीरियो विलन कौन है, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो विलन मिस्टीरियो का रोल निभा रहे हैं जेक गिलनहॉल। तो मिस्टीरियो अपने सर में एक ग्लास के हेलमेट और पर्पल पर्दे की वजह से कुछ ज़्यादा फनी है, बट मिस्टीरियो स्पाइडरमैन का सबसे खतरनाक एनिमी है कॉमिक्स में। क्विंटन बैक एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्टेड स्पेशल इफेक्ट्स का आर्टिस्ट था और एक जादूगर था और एक स्टंट आर्टिस्ट था जो एक काफ़ी अच्छे हॉलीवुड के स्टूडियो के लिए काम करता था अपना नाम बनाने की ख्वाहिश में फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन जब उसे धीरे धीरे ये लगने लगा कि उसका ये स्पेशल इफेक्ट्स का काम या जो वो ये स्टेज इल्यूजन्स और कुछ गैजेट से ट्रिक्स दिखाता करता था, इसमें कोई डेवलपमेंट या करियर इंक्रीज नहीं हो रहा, या ऐसा कह सकते हैं कि उसे ना ये कोई ढंग के पैसे दे रहा था और ना ही शोहरत या नाम मिलने पर मदद कर रहा था, लेकिन उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसकी ये स्पेशल टैलेंट उसे एक बहुत ही खतरनाक सुपर विलेन बना सकता है। और ऐसे ही वो एक विलेन में बदल गया जिसने स्पाइडरमैन को और पूरे शहरवासियों को भी खूब परेशान किया। और ये जो मिस्टीरियो का ड्रेस दिख रहा है, ये कोई मामूली सूट नहीं। मिस्टीरियो के सूट में बहुत सारे डिवाइस और गैजेट्स होते हैं जो उसे मदद करते हैं। और उसकी ये हेलमेट बना है एक तरफ के प्लेक्सी ग्लास से, जिसका मतलब मिस्टीरियो बाहर देख सकता है बट कोई अंदर नहीं देख सकता उसके बाहर से। और इस हेलमेट में एयर सप्लाई भी जुड़ा है जो उसे मदद करती है उसके अपने ही कई गैसेस से बचने के लिए जो वो कई शहरवासियों पे और स्पाइडरमैन के ऊपर यूज़ करता था। और एक सोनार वाला डिवाइस जो उसे डायरेक्शन दिखाए, सोनार यानी कि ऐसा कोई डिवाइस जो खास करके नेवी इस्तेमाल करती है पानी के अंदर साउंड पल्सेस को छोड़ने के लिए ताकि वो चीज़ों को ढूंढ सके। और मिस्टीरियो के पास एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन भी होता था जिससे वो 3D इल्यूजन्स बनाता था। वैसे दोस्तों, मिस्टीरियो के पास कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं है, ना ही कोई रेडियो एक्टिव एक्सीडेंट या एक्सपेरिमेंटल सीरम या कोई भी ऑपरेशन का वो शिकार है। वो बस एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट गैजेट और इल्यूजन्स वाला व्यक्ति है जो अपने फील्ड में सबसे बेस्ट है, जैसा कि टोनी स्टार्क। लेकिन साथ ही मैं आपको इन सेंट फोटोज़ को दोबारा दिखाना चाहूँगा जिसमें हमें मिस्टीरियो तो दिख रहा है लेकिन मिस्टीरियो का आइकॉनिक हेलमेट लुक नहीं दिख रहा है जैसे कि कॉमिक्स या टीवी शोज पे हमने देखा है। तो मिस्टीरियो एक फिशबॉल हेलमेट के साथ आता है लेकिन हम ऐसा यहाँ नहीं देख पा रहे, तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि वो समय पर इसे उतारता भी है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि हेलमेट बाद में CGI से प्रोवाइड किया जाए जैसा कि नैनोटेक मास्क जो खुद को ही रिमूव कर लेता था इन्फिनिटी वार में। और मिस्टीरियो की सबसे खास बात तो ये है कि वो स्पाइडरमैन को फिजिकली कम चैलेंज करता था और मेंटली सबसे ज़्यादा चैलेंज करता था, जैसा कि जोकर था बैटमैन मूवीज़ में हम एग्जांपल ले सकते हैं। और वो स्पाइडरमैन को अपनी ही काबिलियत और भरोसे पे सोचने पे मजबूर कर देता था कि पीटर पार्कर सही भी है खुद या नहीं। और इसी वजह से एक बार स्पाइडरमैन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन मोड में आ गया था जिसकी वजह से वो ऐसा भी सोच रहा था कि वो स्पाइडरमैन बनना ही छोड़ दे, और उसने ड्रेस भी अपनी जला दी थी कॉमिक्स। और मिस्टीरियो का रोल प्ले कर रहे एक्टर जेक गिलनहॉल ने खुद को साबित भी किया है कि वो एक मैनिपुलेटिव साइकोपैथ का रोल बखूबी निभा सकते हैं, जैसे कि नाइट क्रॉलर मूवी में हमने देखा है। तो इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि मिस्टीरियो का रोल बहुत ही सही हाथों में है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और एम करते हैं बिग लाइक के लिए, आई होप आप सब पूरे कर दें। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो इसी के साथ कहना चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।